गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप लोग सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो इसमें हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर ले रहे थे, दैट इज लाइफ प्रोसेस। और पिछले लेक्चर में हमने डील किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जिनमें जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जिनमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता उसमें हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने डील किए थे। अब वहीं से हम आगे की तरफ देखते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। हेटरोट्रॉप्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स। ओके, तो देखिए हेटरोट्रॉप्स किनको बोलते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सिंपली अगर बोले तो वो खाना अपना खुद नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए वो डिपेंड करेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म पे ताकि वो खाना उससे उनको गेन हो सके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हेटरोट्रॉप्स। तो ये हेटरोट्रॉप्स कितने प्रकार के बेसिकली हो सकते हैं देखते हैं। आपके पहला कार्निवोर, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कार्निवोर्स? सिंपली जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं मीट पे, इस पे यानी वो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा जब वो मीट खाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर बोले तो मीट ईटिंग एनिमल्स आर कंसिडर्ड अंडर कार्निवोर्स। तो भैया अगर मान लो हम भी हैं, एक तरह से हम भी क्या हैं, कार्निवोर ही है, क्योंकि हमको भी मीट खाने का मतलब मन करेगा। तो मुर्गा, सिंपल अगर बात करें तो आप अगर यूज करते हैं, गोट खाते हैं हम लोग, तो ये सारी चीजें हम लोग भी क्या कर सकते हैं, मीट ईटर्स में ही आते हैं, जिनको हम लोग खा सकते हैं। तो भैया जो भी ऑर्गेनिज्म मीट खाते हैं उनको भी क्या कहेंगे? तो ऑब्वियस बात है, मैं एक एनिमल हूं, किसी और दूसरे एनिमल को मार के कोई खा रहा है तो भैया क्या हुआ, वो खाना खुद बना रहा है क्या? नहीं, वो डिपेंड कर रहा है किसी और ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म उसके लिए क्या है, क्या भैया, फूड है। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर मीट, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है क्या बेटा, कार्निवोर्स। क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। सो ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली एनिमल्स, और अगर बात करें तो एनिमल्स मीट, उसी को क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स मीट भी आप कह सकते हैं, या सिंपल जहां पे एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म को मार के खाता है उनको बोलते हैं क्या बेटा, कार्निवोर्स। एग्जांपल आप फेमिलियर हैं, लायन, टाइगर, ये सारे एग्जांपल होते हैं। तो एग्जांपल की बात करेंगे, लायन, टाइगर, और आजकल मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो एक स्नेक होता है, ये भी किसी चीज को खाने का काम करता है। आज के दिनों में बहुत ज्यादा फैले हैं क्या, मेंढक फैले है ना। तो भैया फ्रॉग को खाता है कौन, स्नेक, ऑब्वियसली ये चूहों को भी खाता है, लेकिन आज बरसात के मौसम में ये किसको खाने का काम करता है, फ्रॉग को। तो फ्रॉग भी एक क्या है, एनिमल, स्नेक भी क्या है, एक एनिमल। तो जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाता है उसी को क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। लायन, टाइगर,
और एग्जाम्पल में स्नेक भी आप ऐड कर सकते हैं। सो जो पहला हेटरोट्रॉफ है टाइप वो है कार्निवोर, जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार के अपने खाने की तरह यूज करता है उसको बोलते हैं कार्निवोर्स। दूसरा जो होगा हर्बीवोर्स, क्या बोलते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स से याद कर सकते हैं आप हर्ब्स, हर्ब्स इट इज अ ट्री, हर्ब्स बेसिकली होते क्या है प्लांट्स, क्या होते हैं प्लांट्स। तो जहां कहीं भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट ओनली प्लांट्स या वो प्लांट्स को अपने फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हर्बीवोर्स। सो नोट डाउन करेंगे दोज ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स अपॉन और दैट इट प्लांट्स ओनली आर कॉल्ड एज, यानी एनी ऑर्गेनिज्म दे यूजली इट प्लांट्स दे आर कंसिडर्ड एज हर्बीवोर्स। उसको क्या बोलेंगे हर्बीवोर्स। उन सारे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है क्या बेटा हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर बोले काऊ, डियर, रैबिट, एलिफेंट, ये सारे के सारे क्या है? इसको खाते हैं बेटा प्लांट्स को ईट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड अंडर हर्बीवोर्स। सो दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल काऊ, डियर, रैबिट, एलिफेंट। ये काफी सिंपल चीजें हैं जो आप बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आते हैं। नेक्स्ट दैट इज ओमनीबोर, ओमनीबोर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों चीजें खाते हैं, यानी प्लांट्स को भी खाते हैं और मीट ईटर भी कहलाते हैं, उन दोनों ऑर्गेनिज्म को मिला के बोला जाता है क्या बेटा ओमनीबोर। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आप किस में आएंगे, पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली आप कार्निवोर है या ओमनीवोर है, तो सोच के बताइए बेटा हम पल्सेस भी खाते हैं जो प्लांट है, बहुत सारी क्या करते हैं फ्रूट भी खाते हैं प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं, तो भैया हम दोनों चीजें खा रहे हैं, मीट भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्लांट्स के जो प्रोडक्ट है उनको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो हम किस में आएंगे ओमनीवोर में। ठीक है, सो दोज ऑर्गेनिज्म which can eat both meat as well as plant are considered as omnivores. तो इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, those organism which eat both plants and animals are called as omnivores. Example की अगर बात करेंगे तो पहला तो example मैंने अपना ही दिया human, दूसरा बहुत सारी सब्जियां अगर देखोगे आप कोई भी चीजें चावल वावल ये चीजें आप खिला सकते हैं किसको, आपके डॉग भी खा सकते हैं, कुत्ते जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पैरो जानते हैं स्पैरो, स्पैरो भी दोनों चीजें खा सकती है, मीट भी खा सकती है और आपका दाना भी चुग सकती है। और अगर बात करें वल्चर की बात करें तो वल्चर भी आपका एक ओमनीवोर ही है। ठीक है, वैसे आजकल गिद्ध एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं और बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो वल्चर भी इसमें आता है आपका ओमनीवोर में, ये मीट ईटर भी है।
ओके एज वेल एज इसको अगर दाना वाना भी मिलेगा वो भी खा लेता है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एन ओमनीवोर। तो ये काफी सिंपल था, दैट इज कार्निवोर, फिर आपका हर्बीवोर, फिर आपका कार्निवोर। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। अब जो चीजें हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स सर्वाइवल और फॉर इट्स फूड। सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जहां पे एक ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भैया देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट वी हैव टू डील। फर्स्ट दैट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये तीनों जो है सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तीनों के तीनों हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। इसको पहले नोट डाउन करिएगा, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पहला, दैट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट दैट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। जनरली जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये प्लांट लिविंग था, लिविंग के बाद ये गिर गया और अब ये प्लांट क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कोई चिड़िया है, सपोज ये एक चिड़िया है, ये कोई एक बर्ड है, ये भी लिविंग थी लेकिन इसकी लाइफ सर्किल कंप्लीट हो गई, ये भी डेथ कर गई। सो जब कोई ऑर्गेनिज्म, कभी आपने देखा होगा कि कोई, ऑब्वियसली कभी आप रास्ते से जा रहे होंगे तो देखा होगा कि कोई गाय मर गई है, उसको बेसिकली कहीं पे किसी ने छोड़ दिया है, तो इनिशियली आपको बहुत सारी चीजें उसके ऊपर देखने को मिलेंगी। इनिशियली अगर बोले तो मांस वांस ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे बेटा एक से डेढ़ महीने में कुछ नहीं बचेगा, बस वहां पे दिखेंगी क्या हड्डियां, क्या दिखेंगी, केवल हड्डियां ही। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चूहा हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जयकाल हो, कई कुत्ते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो बेटा ये चीजें आखिर जो ऊपर वाले जो मांस थे वो गए कहां। तो बेसिकली कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं और वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं अपॉन द न्यूट्रिशन दैट दे गेट फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, देन दैट आर नोन एज डिकम्पोजर्स, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन that they are getting from the
डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स, ध्यान रखिएगा एनिमल्स और प्लांट या लिविंग नहीं है। जब ये पूरी तरह से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स, तो उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म लगते हैं और उनसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है क्या, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देंगे। और जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे उनको, सेप्रोफाइट्स। तो डेफिनेशन इसका लिखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग, यानी जो सड़ रही है, डिकेइंग मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स एंड समटाइम्स आपने देखा होगा ब्रेड को आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, उसके ऊपर हरी हरी चीजें फंगाई ग्रो कर जाती है, फंगस ग्रो कर जाता है, तो उसकी भी बात है, क्योंकि भैया वो भी वहां पे क्या हो गया, उसको यूजफुल नहीं है, धीरे धीरे वहां पे फंजाई ग्रो करने लगते हैं, तो वो भी क्या है, डेड एंड डीके ही हो जाता है। सो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखिए जनरली अगर बात करें ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो बेसिकली बना होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से। किसे बना होगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर मान लो जैसे ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। सो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होता है उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे 11th चैप्टर में, तो वहां पता चलेगा तीन चीजें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तीन चीजें बड़े ही इंपॉर्टेंट है जो पूरी सृष्टि को बनाने में मदद करता है। सो दैट्स व्हाई जो भी आपके चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स, उनमें भी ग्लूकोज होगा, आपके प्लांट्स में तो बनता ही बनता है, एनिमल्स भी बहुत सारी चीजें लेता है जो कार्बन से डिपेंड करता है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सिंपल सा आप याद रख लीजिएगा कि जो भी डेड प्लांट डेड एनिमल के ऊपर फिट करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेप्रोफाइट्स। सो दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं सेप्रोफाइट्स के, जिसको आप पढ़ेंगे, राइजोपस जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ये एक प्रकार का फंगस है जो ब्रेड के ऊपर लगता है, दैट इज कॉल्ड एज राइजोपस। मशरूम सुना होगा ना, मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है जो आपके ज्यादातर ह्यूमिडिटी वाले प्लेस में ग्रो करता है, तो मशरूम को हम लोग बोलते हैं एगारिकस। क्या बोलते हैं, एगारिकस। और जनरली मशरूम भी देखोगे तो आपके किसी डेड स्ट्रॉ यानी भूसा वूसा वाले जगहों पे ज्यादातर या प्लांट्स के आसपास में उगता है, ठीक है, दैट इज मशरूम। और बहुत सारी बैक्टीरिया भी है
जो आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके खत्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरिया जिनमें भी क्या पाया जाता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर, फॉर एग्जाम्पल बेसिलस एंड फॉर एग्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम. सो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट एंड डेड एनिमल से न्यूट्रिशन को ले रहा होगा या रोटेन ब्रेड से ले रहा होगा, उसको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. और जिनमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स. फॉर एग्जाम्पल राइजोपस इज अ सेप्रोफाइट, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. एगारिकस जो कि मशरूम है, आपके जनरली ह्यूमिडिटी वाले प्लेसेस पे ये जनरली आप देखोगे कोई पौधा टूट गया उसके आसपास में भी ग्रो कर जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसमें जो कि डेड प्लांट और डेड एनिमल्स को खा के खत्म करने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिडोबैक्टर, बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम. नो डाउट करेंगे दैट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. चलिए दूसरी चीज जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप कहीं ना कहीं फैमिलियर हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, ये प्लस माइनस रिलेशनशिप है. अब आप सोचेंगे कि सर में क्या कहते हो प्लस माइनस रिलेशनशिप, ये बैटरी थोड़ी ना है कि प्लस और माइनस चिपकाया और करंट आ जाएगी. तो सिंपली सुनिएगा प्लस माइनस रिलेशनशिप मैं क्यों बोल रहा हूं. प्लस और माइनस ये चीज अभी आपको समझ में आ जाएगा, सुनिएगा. सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिएगा, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है एक अपने एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, लेकिन पिछला जो था वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा था. यहां पे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक लिविंग होस्ट पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर, लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और वहीं से धीरे 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 न्यूट्रिशन लेता रहता है. वो कभी भी अपने होस्ट को मारता नहीं है. क्यों नहीं मारता है भैया, क्योंकि उसकी खुद की लाइफ उसी होस्ट पे डिपेंड है. अगर उसने होस्ट को मार दिया तो उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगी. सो देखिए, सपोज करिए मैं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, तो मैं हूं ह्यूमन, मान लीजिए ह्यूमन होस्ट है, क्यों होस्ट कर रहे हैं, और मेरे ऊपर मेरे सर में बहुत सारी क्या होती हैं, लाइसेस, सुना है लाइस, सुना है ना जुए. तो भैया ये है लाइस, और ये जो लाइस मेरे ऊपर पाया जाता है उसको बोलते हैं पैरासाइट. क्या बोलते हैं, पैरासाइट. तो अब आप देखिए मैं जो खाना खा रहा हूं, न्यूट्रिशन ले रहा हूं, अल्टीमेटली ये न्यूट्रिशन मेरे सर के थ्रू कौन ले रहा है भैया, लाइस ले रहा है ना, वो खुद से तो कुछ कर नहीं रहा है ना. तो मेरा न्यूट्रिशन कौन ले रहा है, देखिए होस्ट बोलते हैं, होस्ट इज दैट ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के ऊपर कोई भी एक पैरासाइट रह रहा है उसको हम लोग बोलेंगे होस्ट. क्या बोलेंगे, होस्ट. और होस्ट के ऊपर जो रह रहा है, जो न्यूट्रिशन होस्ट से ले रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट. क्या बोलेंगे, पैरासाइट. तो होस्ट कौन हो गया हमारे में, हम हो गए, मैं हो गया, और मेरे ऊपर बहुत सारे जुए हैं, वो बहुत सारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं. तो आप बताइए इसमें फायदा किसका है, तो ऑब्वियसली फायदा किसका है, लाइस का है. घाटा किसका है, ह्यूमन का है या होस्ट का है. तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कभी भी लाइस ह्यूमन को मारता नहीं है. क्यों नहीं मारेगा भैया, क्योंकि अगर उसको मार देगा तो वो खुद भी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड करा अपने होस्ट पे. तो ये एक प्रकार का कौन सा रिलेशनशिप है, प्लस माइनस रिलेशनशिप,
जहां पे एक के चांदी ही चांदी है, फायदे फायदे हैं और एक का क्या है, नुकसान ही नुकसान है. सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म. लेकिन अनदर ऑर्गेनिज्म पे नहीं, वहां पे ऐड करना पड़ेगा अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस पे अगर डेट आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक. तो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर इट्स न्यूट्रिशन, तो उसी को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism derives its nutrition. ये जो है nutrition को derive करता है from the body of living organism, और जिस organism से nutrition जाता है parasite को, उस organism को क्या बोलते हैं, host. क्या बोलेंगे, host, without killing it. ये बड़ा important है, without killing it. यानी कभी भी पैरासाइट जो होगा वो अपने होस्ट को मारता नहीं है, क्योंकि अगर होस्ट खत्म हो जाएगा वो खुद भी खत्म हो जाएगा. सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज होस्ट विदाउट किलिंग, उसको मारता नहीं है. तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट. ध्यान रखिएगा, सो अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म. तो पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड करता है अनदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर इट्स न्यूट्रिशन, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, बेसिकली क्या बोलते हैं, होस्ट. क्या कहेंगे, होस्ट. तो कुछ एग्जाम्पल है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, अगर आपने एक तो एग्जाम्पल मैंने डील कर ही दिया दैट इज कॉल्ड एज लाइस. यहाँ पे एक का फायदा है दूसरे का क्या है, नुकसान है. फॉर एग्जाम्पल लाइस का क्या था, फायदा और नुकसान किसका है, होस्ट का, ह्यूमन का. तो उसी तरह से लाइस और ह्यूमन रिलेशनशिप हो गई. ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा, हमारे पेट में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी सुना होगा, टेप वॉर्म, ये बहुत सारे वॉर्म्स के बारे में, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सारे सुने होंगे आपने. तो ये बेसिकली है क्या, कौन से, पैरासाइट ही है. जैसे कुछ और एग्जांपल अगर आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम पल्सिफेरम, अगर बात करें तो बेसिकली जो आपका ये मलेरिया होता है तो ये मच्छर से नहीं होता है, ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम वेक्टर. मच्छर तो एक वेक्टर की तरह काम करता है, ये बेसिकली एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं. क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम. तो जनरली प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये भी तो आपके बॉडी में सरवाइव करते हैं पैरासाइट, जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से लेते हैं वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं. सो जो कोई भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से ले रहा है लेकिन ये आपको मार नहीं रहा है, वो बस न्यूट्रिशन लिए जा रहा है. सो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम कॉमा लाइस कॉमा टेपवॉर्म कॉमा राउंडवॉर्म, और कुछ प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि, ये इंपॉर्टेंट है जरा इसको जरूर लिखिएगा, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, यानी किसी और प्लांट के ऊपर सरवाइव करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं. फॉर एग्जांपल कसकटा या अमर बेल का नाम सुना होगा. सो फ्यू प्लांट्स लाइक कसकटा
और हिंदी में इसी को बोलते हैं अमर बेल, अमर बेल और कुछ इंजाइम भी एंड सेवरल फंजाई भी होंगे और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। सो आपको याद करने के लिए इतना बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, लाइस हो गया, टेप वार्म, राउंड वार्म, ये बेसिकली एनिमल्स के केसेस में, यानी ये पार्टिकुलरली ह्यूमंस बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं विदाउट किलिंग देम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पैरासाइट। लेकिन अगर बोले कि कोई ऐसा है जो प्लांट के ऊपर भी रहता है और उससे न्यूट्रिशन छीन ले, तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कसकटा और अमरबेल, ये भी एक प्रकार का क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। नोट डाउन कर लीजिएगा, कसकटा या अमर बेल, कुछ फंजाई और बैक्टीरिया भी पैरासिट, उनके अंदर में भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जा सकता है। नोट डाउन करेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट द लास्ट दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, चलिए तो सिंपल सुनिएगा, ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। जैसे अगर बोले, स्टार्ट करिए, देखिए जैसे आप खाना खाते हो तो बेसिकली जो खाना हम खाते हैं, चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन, कुछ भी हो, वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है या कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो जब मैंने खाना खाया हो, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, सुनिएगा। सो कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है सिंपल फूड में, इसमें सिंपल फूड में, सुनिएगा। तो जब कोई भी ह्यूमन बींग खाना खाता है, वो होता है कौन सा फूड, कॉम्प्लेक्स फूड। आफ्टर सम टाइम इट इज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल फूड, चाहे आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होगा। तो जब कभी भी इस ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड पहले टूटेगा सिंपल फूड में, जब हम फूड को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। क्या कहेंगे, इंजेशन। जैसे ही फूड बकल कैविटी में जाता है, माउथ में जाता है, वहां पे बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होने लगते हैं और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पूरी फिजियोलॉजी की बात कर ले तो ये एक प्रोसेस होता है जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में तोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या बेटा जी, डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम लोग अपनी बात कर ले, कोई भी ह्यूमन बींग क्या करेगा, फूड को इंजेस्ट करेगा, और इंजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल में टूटेगा, यानी क्या होगा उसका डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ये सिंपल फूड जो होगा इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो गया अब वो ब्लड और लिम्फ के अंदर में जाएगा, ताकि ईच एंड एवरी सेल को सर्कुलेट करके मिल सके जो न्यूट्रिशन हमने खाया है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, और जब ये ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंच जाएगा और हर सेल इसको यूटिलाइज कर लेगा, सो द एब्जॉर्ब फूड ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी सेल वेर इट इज यूटिलाइज बाई ईच एंड एवरी सेल, यानी एब्जॉर्ब फूड आसानी से पहुंच जाएगा हर सेल के पास में, ताकि वो उसको यूटिलाइज करे और वो उससे प्रोड्यूस करे एनर्जी, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। सो इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है, अपनी बॉडी के अंदर में लेता है, तब इंजेस्टेड उसको बोलेंगे, द प्रोसेस थ्रू विच फूड इज टेकन इनसाइड दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा,
डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा एसिमिलेशन। तो इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है क्या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पहले क्या होगा फूड को अंदर लिया जाएगा कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेशन, फिर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में छूटा गया डाइजेशन, फिर सिंपल फूड आपके ब्लड और लिम्फ में जाएगा, ब्लड और लिम्फ में जब पहुंचेगा तो उसको क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, और जब आपका टिश्यू और सेल को मिल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं एसिमिलेशन। तो इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको लिख लेते हैं द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड। तो भैया पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर में कौन सा फूड लेगा कॉम्प्लेक्स फूड लेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज इंजेशन। तो जिस प्रोसेस से वो कॉम्प्लेक्स फूड को अपने अंदर में लेता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन, नोट डाउन कर लीजिएगा इंजेशन। ओके, अब ये जो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इंजेस्टेड फूड की बात करें तो बेसिकली कौन सा फूड है कॉम्प्लेक्स फूड, इंजेस्टेड फूड दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड। इसका ब्रेकडाउन होगा किसमें सिंपल फूड में। ओके, ये सिंपल फूड में टूटेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डाइजेशन, क्या होगा डाइजेशन। तो नोट डाउन कर लीजिएगा जब कभी भी कॉम्प्लेक्स फूड टूटेगा सिंपल फूड में या फिर इंजेस्टेड फूड टूटेगा सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में तो इस प्रोसेस को बोला गया क्या डाइजेशन, क्या बोला गया डाइजेशन। अब जो होगा डाइजेस्टेड फूड जो होगा सुनिएगा नाउ, अब जो होगा जो हमारे पास क्या है डाइजेस्टेड फूड जो पूरी तरह से क्या हो गया, जब ये डाइजेस्टेड फूड ट्रांसफर करके या इसको बोलेंगे टेकन बाय ब्लड और लिम्फ, जब ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड और लिम्फ में पहुंच जाएगा तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या बेटा जी एब्जॉर्प्शन, क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो पहले क्या हुआ इंजेशन, इंजेशन के बाद क्या हुआ डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, जहां पे डाइजेस्टेड फूड कहां चला गया ब्लड और लिम्फ के पास में चला गया दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब जो होगा लास्ट वन नाउ द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय सेल्स एंड टिश्यू। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड होगा ये पहुंचेगा सेल्स और टिश्यू के पास में, सो इस प्रोसेस को बोला जाता है जब वो सेल और टिश्यू के पास में पहुंचेगा तो सेल और टिश्यू उसको यूटिलाइज करके क्या बनेगा एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में होती है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, यहां के लिख लेंगे एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के फॉर्म में,
एनर्जी रिलीज होती है, तो एब्जॉर्ब फूड जब ईच एंड एवरी सेल और टिश्यू के पास पहुंचेगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? एसिमिलेशन। ओके, सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पाया जाता है? ह्यूमंस में पाया जाता है, एंड इन मोस्ट एनिमल्स की बात करेंगे तो उनमें यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ह्यूमन की बात कर लो या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात कर लो, उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसमें पहले क्या होगा? इंजेशन, फिर क्या होगा? डाइजेशन, फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, और फिर क्या होगा? एसिमिलेशन। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दो चीजें जो नोट डाउन करके पूछी जाती हैं, इनको बड़ा ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है इन केस ऑफ एनिमल, और किस फॉर्म में स्टोर होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट इन द केस ऑफ एनिमल्स स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, याद रखिए ग्लाइकोजन, और प्लांट्स की बात करेंगे तो एज अ स्टार्च। इस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं या स्टोर करते हैं एज अ स्टार्च। तो नोट डाउन कर लीजिएगा ये नोट पॉइंट जो कभी कभार पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट्स। इस पॉइंट को बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो इंटरनल एनर्जी रिसोर्स की बात करेगा कि इंटरनल एनर्जी, एनर्जी जो होगी एनिमल्स में वो कहां से मिलती है, तो ग्लाइकोजन के टूटने से मिलेगी। और अगर बात करेगा कि प्लांट्स की, तो प्लांट्स में इंटरनल एनर्जी कहां से मिलेगी, तो स्टार्च के ब्रेकडाउन से मिलेगी। नोट डाउन करके इसको रख लीजिए। नाउ इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो दो तीन लाइन लिम्फ के बारे में दे रखी है। क्या दे रखी है? लिम्फ के बारे में छोटा सा डिस्कशन दे रखा है यहाँ पे। सपोज ये बोलता है कि बेसिकली अगर मान लीजिए कभी भी आपको चोट लगे, जैसे यहाँ कट लगा, फिर ये कुंड जो होता है ऑटोमेटिकली हील हो जाता है या फिर वहां से ब्लड आना रुक जाता है। तो बेसिकली ये किसकी वजह से होता है? तो एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे लिम्फ, ब्लड और लिम्फ, दीज आर द कंपोनेंट्स। तो जहां पे लिम्फ बैठ के जाती है और वहां पे कुछ एंजाइम्स भी होती हैं जो बेसिकली आपके क्या करेंगे, उंड हीलिंग में मदद करती हैं। तो बेसिकली अगर देखा गया, दो तीन लाइन दे रखा है कि लिम्फ बेसिकली अगर बोला जाए तो एक तरह का सिस्टम है जिसमें हैव द कैपेसिटी, यानी उसके अंदर में कैपेसिटी है ताकि वो रिपेयर कर सके ओल्ड टिश्यू को, डैमेज टिश्यू को। तो एक दो तीन लाइन दे रखी है, हम डिटेल में पढ़ेंगे लिम्फ को, लेकिन यहां दो तीन लाइन जो दे रखी है उसको देखिएगा। दैट इज लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग
डियर स्ट्रक्चर, यानी वो अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं. दिस मीन्स व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इंजर्ड, यानी उसको क्या लग गया, अगर उसको चोट लग गई, इट इटसेल्फ, ये लाइन कुछ दे रखी है, इट इटसेल्फ इज एबल टू रिपेयर इट, यानी ये खुद से क्या कर लेता है, उस पार्टिकुलर लोकेशन को हील कर देता है, बिकॉज ऑफ सम इंजाइम्स, कुछ इंजाइम्स पाई जाती हैं प्रेजेंट इन बॉडी एज लिम्फ, यानी हमारी बॉडी में कुछ इंजाइम पाई जाती है इस फॉर्म में, एज अ लिम्फ के फॉर्म में, विच हेल्प इन हीलिंग द wounds, यानी wounds को भरने में काम आती है. तो वही कह रहा है कि लिविंग क्रिएचर्स, यानी अगर कोई भी क्रिएचर है जो लिविंग है, मस्ट कीप रिपेयरिंग, यानी वो हमेशा रिपेयर करता रहता है और मेंटेन करता रहता है देयर स्ट्रक्चर. दिस मीन्स व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इंजर्ड, अब अगर आपको चोट लग गया यहाँ पे, क्या वो गड्ढा भरता नहीं है, वैसे ही रहता है, ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद वो भर जाता है, यानी हील कर देता है. जब वो इंजर्ड होता है, इज एबल टू रिपेयर इट बिकॉज ऑफ सम इंजाइम्स दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी एज ए लिम्फ, एज ए लिम्फ, तो लिम्फ के बारे में ही कह रहा है, तो लिम्फ के अंदर में कुछ इंजाइम्स होती है जो ऑटोमेटिकली हील करने में काम करती है, विच हेल्प इन हीलिंग द wounds. अगर मैं बोलूं, जैसे कभी कट लग जाता है तो एक रिएक्शन आपको 11th में पढ़ने को मिलेगी, जैसे फाइब्रिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब ये फाइब्रिनोजेन फॉर्म होता है तो बहुत तेजी से आपका ब्लड डिस्चार्ज हो रहा होता है, लेकिन हमारे ब्लड के प्लाज्मा में एक इंजाइम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बिन. कहाँ बोला, ब्लड वाला, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, ब्लड और प्लाज्मा, तो जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा के अंदर में एक इंजाइम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बिन, वो अल्टीमेटली एक्ट करती है फाइब्रिनोजन पे और इसको कन्वर्ट कर देती है फिब्रिन में, और जैसे ही ये फाइब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, कैस्केड मैकेनिज्म होती है और यहाँ पे ब्लड जो होता है वो क्लट हो जाता है, यानी ब्लड बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है. तो यही कहने की बात है कि कुछ इंजाइम्स हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं जो इस तरह से जो ब्लड बह रहा था उसको क्या किया, उसने क्लट कर दिया. तो ये सारे रिएक्शंस को आप देखेंगे लिम्फ के केस में. थैंक यू ऑल, और अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू ऑल.